साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग एम में स्वागत है। एक बार फिर से नई अपडेट के साथ नर्सिंग एम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो राजस्थान में 8 भर्तियां चल रही है उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आचार संहिता भी लगने वाली है और लगभग भर्तियों के वेरिफिकेशन है वो हो चुके हैं और नर्सिंग ऑफिसर के आज फाइनल है, वो वेरिफिकेशन हो जाएंगे। तो और इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में खेल प्रमाण पत्र फर्जी वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं, तो क्या कुछ है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट हम देने की आपको कोशिश करते हैं। तो शिक्षा व चिकित्सा विभाग की भर्तियों में बड़ी संख्या में आए सर्टिफिकेट खेल में निबे प्रसिद्ध फर्जी। तो निबे फीसदी जो ताइक्वांडो खेल के निबे प्रसिद्ध फर्जी हैं और बड़ी संख्या में आए सर्टिफिकेट है वो फर्जी हैं। खुली पोल भर्तियों में खेल प्रमाण पत्र ही नहीं फर्जी वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं। फोटोशॉप से एडिट कर तैयार किए गए हैं प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, फोटोशॉप एक ऐप होता है, उसमें आप कैसा भी सर्टिफिकेट है वो तैयार कर सकते हैं। तो चिकित्सा विभाग की भर्तियों में अभ्यर्थियों ने ताइक्वांडो खेल के जो सर्टिफिकेट लगाए हैं उनमें फर्जीवाड़ा सामने आया है। ताइक्वांडो फेडरेशन का मानना है कि प्रमाण पत्र का फोटो एडिट की जा रही है, वहीं वेरिफिकेशन किया जा रहा है बाड़मेर, मानगढ़ और करौली में, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। तो शिक्षा विभाग की बात करें या चिकित्सा विभाग की, सब में फर्जी है वो सर्टिफिकेट आ रहे हैं। भर्तियों में अभ्यर्थियों की ओर से लगाए गए खेल प्रमाण पत्रों में एक और खुलासा हुआ है, अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी प्रमाण पत्र नहीं बल्कि वेरिफिकेशन भी फर्जी कराए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की यूट्यूब सुविधा भर्ती में अभ्यर्थियों ने ताइक्वांडो खेल के सत्यापन प्रमाण पत्र लगाए हैं जिनको फेंडर्स ने खारिज कर दिया है। चौंकाने वाली बात है कि फेंडर्स ने यहाँ तक कहा है कि शिक्षा और चिकित्सा में लगाए जा रहे ताइक्वांडो निबे प्रसिद्ध प्रमाण फर्जी हैं। तो तत्कालीन फेडरेशन के सचिव ने विभाग को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि फेडरेशन की ओर से इन प्रमाण पत्रों का सत्यापित नहीं किया गया है। दोस्तों, 90% जो यूट्यूब बेसिस पे भर्ती हो रही है उनमें फर्जी दस्तावेज लगा रहे हैं। फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने का मामला सबसे पहले राजस्थान पत्रिका ने उजागर किया, इसके बाद अब फेडरेशन ने भी इस पर मोर लगा दिया है। लेकिन शिक्षा चिकित्सा विभाग की ओर से इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। चयन बोर्ड और विभाग ने तत्कालीन फेडरेशन से अपनी योग्य खिलाड़ियों की डाटा तक नहीं मांगा। अगर विभाग डाटा मांगे तो फर्जी प्रमाण पत्रों का उजागर हो जाए, शिक्षा निदेशक को भेजा पत्र। तो खेल प्रमाण पत्र की जांच गहनता से की जा रही है, अगर एक भी फर्जी प्रमाण मिलता है तो अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ताइक्वांडो फेडरेशन की ओर से अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है। कानाराम निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय फेडरेशन की ओर से एक भी सर्टिफिकेट सत्यापित नहीं किया गया है। हमने इसके लिए शिक्षा निदेशालय को पत्र भी भेज दिया है। राजस्थान शिक्षा विभाग की भर्ती में ताइक्वांडो के 113 प्रमाण पत्र लगाए गए, इनमें 90% फर्जी है। प्रबंध तत्कालीन सचिव ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी तैयार किए जा रहे हैं फोटोशॉप से एडिट करके। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी है कि आप कहीं आपके साथ भर्तियों में धोखा तो ना हो जाए और फर्जी तरीके से जो स्टूडेंट लग रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो ऐसी जानकारी
कि नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर किए। मिलते हैं ऐसी प्यारी सी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।